नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मनमनेकान्तं साधुत्तं मंगलं वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थ प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्योजेन्धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतु शासनम युधाया जानी कहे कम कलंक दहे नित्यनंदनमय तो परम प्रणवे नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे। फलों में छिलके आदि को छोड़कर रस पीते हैं, ऐसे जिनवाणी के प्रत्येक कथन में भी वीतराग का ग्रहण करना चाहिए। और जिनवाणी में वीतरागता का पोषण है भी और कुछ है भी नहीं, ये तो इस जीव का ही दुर्मोह है, अज्ञान है कि उसमें से स्वच्छंदता का प्रमाद का अभिमान का पोषण करता है। देह और आत्मा की भिन्नता की अभी चर्चा सुन रहे थे, वाचन हो रहा था, देह और आत्मा भिन्न है, इसलिए देह के जाता रहो। देखो और एक भाव विकारी भाव हो जाए वहां तो तुम भैया इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको तो बस अपन तो जाता रहो। और शरीर में रोग हो जाए तब उसका इलाज करो, तब जाता क्यों नहीं रहो? फिर भक्ष्य वक्ष कुछ नहीं, फिर नियम संयम कुछ नहीं, हमारे मुनीश्वर हमारी धर्मात्मा ही कर्म के उदय में होने वाले उपसर्गों में ज्ञाता रहे। उपसर्गों को दूर करने के बाद फिर अपन तो ज्ञाता रहता है, ऐसे नहीं किया कि छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि का निंदा गढ़ा नाम का भी गुण है, निंदा गढ़ा नाम का भी गुण है, अपने उन दोषों की निंदा भी नहीं कर सकते। यदि अपन हाय हाय ये क्या परिणाम बेकार है, इनको इन परिणामों से तो आत्मा का भी अहित है, जिन धर्म की भी अब प्रभावना है। अरे प्रभु ज्ञानियों के औदयिक भाव भी, ज्ञानियों के भी औदयिक भाव अनुकरण करने लायक नहीं है। ग्यारह तीर्थंकरों ने विवाह किया तो बारहवें तीर्थंकर ने ये नहीं किया, कहा उन्होंने किया तो अपन को कहा दोस्त, जब भी कह रहे अपने कहा। मोही जीवों ने तो ऐसे ही कहा था, ग्यारह तीर्थंकरों ने विवाह किया बेटा तुम काय को अलग कर, लेकिन नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा मोह फुलाया है जिसने, विचार करो। सम्यक दृष्टि को अभिमान नहीं होता, सम्यक दृष्टि को बड़ी विनम्रता है, सरलता है। शरीर में रोग हो जाए उसका तो उपाय करेगा, वहां क्या था दृष्टा की बात नहीं है। और
परिणाम में तेरी में खोटी भाव है, वहां इलाज नहीं करेगा। नहीं, वहां होता ही भाव, ज्यादा दृष्टा रहो, उनको होने दो, देखो जानो, कोई मतलब नहीं। ये स्वच्छंदता पोषक उपदेश है। वैराग्य पोषक उपदेश चाहिए, अनुमोदन करने लायक भी नहीं। अरे भाई, आगम को सिर माथे रखो, अनुवीच भाषणम, आगम के अनुसार ही मानो, आगम के अनुसार ही जानो, आगम के अनुसार ही विचार करो, आगम के अनुसार ही बोलो और आगम के अनुसार ही चेष्टाएं करो। अर्थात आगम के अनुसार खाओ पियो, आगम के अनुसार व्यापार करो गृहस्थ अवस्था में। तो कभी कोई ज्ञानियों के जीवन में तीव्र हृदय में कोई प्रसंग बन भी जाए तो वो कोई दृष्टांत देने लायक नहीं है। हमने एक आपको दृष्टांत दिया था, कभी याद हो तो, पंडित फूलचंद जी थे, शायद 1972 की बात है। एक गोष्ठी ऐसी बैठी, एक प्रश्न किया, समका समाधान का समय था, एक प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि व्यसन सेवन कर सकता है। उसने प्रथमान युग से निकाल के रखे थे ना, ये दृष्ट जीवा खेले, तो साहब छाये सम्यक दृष्टि और वो ऐसे तदो मोक्षगामी, इतना मौका नहीं दिया पंडित जी ने, हमें खूब याद है, हम मौका नहीं दिया पंडित जी ने। उनका सम्यक दृष्टि व्यसन सेवन कर सकता है या नहीं, ये तो बाद की बात बताएंगे। तुम व्यसन सेवन करते हुए भी तुम सम्यक दृष्टि चलाना चाहते हो, इतना अभिमान नहीं करना चाहिए कि अपनी स्वच्छंद वृत्ति और स्वच्छंदता का पोषण करते हुए भी बस हम कौन सी आगम में लिखा है कि वो एक भाव हो तो होने दो, अपन तो ज्यादा दृष्टा रहा। कौन सी आगम में लिखा है हमको बता, चरणान योग में, द्रव्यान योग में, कर्णान योग में, प्रथमान योग में, कहीं कोई बता। हाँ, ऐसा तो लिखा है कि समझ में आया क्या कहा, ऐसा तो लिखा है कि कर्म का तीव्र हृदय भी उपसर्ग आए तो आने दो, रोग हो तो रोग होने दो, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लांग, ये तो लिखा है। ये तो नहीं लिखा है कि विकारी भाव हो तो होने दो और तुम अपने ज्ञाता दश्चा रहो, उनको जानो देखो, उनकी परवाह मत करो, उनकी चिंता मत करो। तो टोटोमा जी ने कहा अन्य जगह उद्यम करता है तो यहां भी उद्यम कर। क्या करें, वो इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, जब वहां तो नुकसान नुकसान तीन दफे कहता है तो यहां क्यों नहीं इतना परिणाम बिगड़ गया हमारा। जगत के जीव भोले हैं भाई, भोले जीव है, नहीं बहुत बढ़िया। अतिचार लिखे काहे को, तो अतिचार लिखे इसलिए है कि तुम उनको करते जाओ और बस उनका पोषण करते जाओ। अतिचार इसलिए लिखे, लिखे काहे को अतिचार, अरे भाई लगते हैं लेकिन उनके लिए प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान प्राश्चित एक शब्द में किया जाता है। कोई ज्ञानी का जीवन बताओ जिनको अतिचार लगे हो उन्होंने प्राश्चित नहीं किया हो, निंदा गारा नहीं किया। बताओ एक आदि तुमने शास्त्र पढ़े तो तुम बताओ भाई। देशियादिक पोषक अप्रशस्त, जो दिनमणि के कथन में से विषय कथा का पोषण करता है कौन हो गया, हो से कुछ किसी व्यक्ति का नाम को गुरु नहीं है। इतिहास
पुराण और कुशास्त्र अंतर है तीनों में। इतिहास माने जो घटना है जैसी की तैसी वर्णन करनी, और उसमें से विषय कषाय का पोषण निकाल दिया, कुशास्त्र बना दिया तुमने, और वितरागता का पोषण निकाला, तब वो प्रथमान योग होगा, पुराण होगा। वितरागता की पोषक ही जिनवाणी गाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। हे भगवान, उस पति ने कहानी में यही तो कहा था, भगवान के नाम पे मार रही कुआं में गिर के, भगवान ने ये कहा कि दुखी हो उस कुआं में गिर जा, संसार के दुखों से भयभीत होकर के आत्म साधना कर, संयम का मार्ग अपना। एक लड़की है और उसका उम्र ने ज्यादा हो गई, अब विवाह विवाह नहीं हो पाता, घर वाले परेशान है, बातें होती है तो फांसी लगा के मर जाए, ये कोई कौन से शास्त्र में लिखा है? अरे तुझे अगर माता पिता की पीड़ा नहीं सही आती, क्या करें हमारी वजह से माता पिता परेशान है, तो ब्रह्मचर्य ले रहे ना। संयम धारण कर ना, हरे प्रभु। संग अलग है, संगति अलग है, बताया था ना, संग अलग है संगति अलग है, हम तुम्हारे संग रहने लगे ये अलग बात है, और करें अपनी मनमानी, अपने हिसाब से चले, अपने हिसाब से माने, अपने हिसाब से सुने, अपने हिसाब से उसका अर्थ करें, अपने हिसाब से बोलें, ये संग है संगति नहीं है। संग परिग्रह को कहते हैं, और संगति सम्यक गति, जैसा भी मानते वैसा माने, जैसा भी कहते वैसे कहें, जैसे भी करते वैसा करें, जैसे भी सोचते वैसा सोचें, रहे सदा सत्संग, उन्हीं का लिखा है सत्संगति कहा है। केवल संग रहना पर्याप्त नहीं है, संग रह तो रहे संग, अपने कर रहे मनमानी, मने सोच अपना अलग अलग चंदा है, ये संगति नहीं, संगति नहीं ना। हमने सोचा था, अरे तुमने ये कहा है क्यों नहीं सोचा, किस लिए कहा, उस अभिप्राय से क्यों नहीं सोचा, कल से उपाध्याय हुआ था मेनु में, मोक्षार्थी जीवों को इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। कैसे है मोक्षार्थी, जिनके चित्त का चरित्र उदास है, जिनकी भावनाएं बहुत निर्मल है, निष्पाप है, अंतर में छल नहीं है, हंडव मायाचारण ये क्यों लिखा है, माने कहीं कोई कथन में से, कहीं कोई क्रिया में से तुम राग का पोषण मत कर बैठना, अभिमान का पोषण मत कर बैठना। अगर अभिमान करते हैं, राग का पोषण करते हैं, तो छल ग्रहण किया है तुमने, इसके लिए थोड़ी कहीं थी। विचार करो, अगर इनसे कोई संबंध ही नहीं है, तो ये धोती पट्टा काहे पहने, अब पहने जींस पहने, उनसे तो कोई संबंध ही नहीं है, इनसे क्या संबंध, इनसे क्या लेना, वो तो पढ़ कर बे पर मोह करने लायक नहीं है। अरे बात तो ऊपर चढ़ने के लिए, ये धोती दुपट्टा पीला पहन लेने से कल्याण नहीं होगा, इसके अनुसार आचरण भी चाहिए, आचरण चाहिए। हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं,
बाहर क्रिया हुई नहीं हुई, बाहर प्रतिज्ञा करी नहीं करी, निश्चयवासी का प्रश्न है। निश्चयवासी का ये चिंतन है, बाह्य क्रिया होने पर भी बिना तत्व अभ्यास के तेरे परिणाम निर्मल नहीं होते। तू बाह्य क्रिया के बिना ही अपने परिणामों की निर्मलता चाहता है। जब कोई संबंध ही नहीं है, है तो फिर ये बताओ, पानी को धूप में रखा रहने दो, रखा रहने वहां तो उठा के रख दो, अनछना पानी मर्यादा हो गई, अब क्या करें क्या करें, क्या गलत हो है, अब प्रमाद छोड़ने के लिए कायर हो रहा है, अब वो क्या करें, वो मर्यादा भूल गए, काय में भूल गए, बे काम छोड़ो, बातें में बैठ जाओ। बाबा में ध्यान नहीं रहो, काय में ध्यान नहीं रहो, किसी मूल्य होगी, उन कामों को छोड़ो। इनसे कोई संबंध नहीं, तो अपन ज्ञात दस्ता रहो, ज्ञात दस्ता छत का पाप क्यों करता है भैया, हाँ हाँ आज हमारी भूल हो गई, हमसे दोष लग गया, चलो क्षम्य चारित्र का दोष है, और इनमें क्या हो गया, इनसे क्या संबंध, इनसे क्या लेना देना, सम्यक और संयम के अलग अलग है, बोलो। सम्यक्ति होना है अपन को, संयम ही नहीं होना है, सम्यक्ति तो हो ही नहीं पाएगा। अच्छा तो यही तो हम कह रहे हैं, पहले संयम ही हो फिर सम्यक्ति हो। अरे जी तुमने पहले कहां से लगा दिया, सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं बता, आप बताओ ना, सम्यक दर्शन सात तत्व की श्रद्धा बता, सम्यक्ति किसको कहते हैं, असंयम को जो दुख रूप मानता है, दुख का कारण मानता है, संयम को सुख रूप और सुख का कारण मानता है। तू तो तपस्या आदि को क्लेश से रहता है, तपस्या आदि को वृथा क्लेश से रहता है, शास्त्र अभ्यास को निरर्थक मानता है, अखबार पढ़ने को निरर्थक नहीं मानता। तू स्वयं विचार करते भी पढ़ने तो किधर जा रहे, अखबार पढ़ने के लिए तेरे पास टाइम है, वो क्या करें, वो देखना पड़ता है जरा इधर उधर क्या हो रहा है, कहां कैसा चल रहा है, और शास्त्र अभ्यास के लिए वो क्या करें, वो टाइम नहीं मिलता। अभी कोई किताब मिल जाए तो पूरी करे किताब की बात छोड़ो, और शास्त्र अभ्यास के लिए नहीं। अरे शास्त्र पढ़ करके अपनी परिणति मिला भैया, शास्त्र पढ़ करके इनकी परिणति को संशोधन मत करने लगो। अधिक भाव, अधिक भाव, अधिक भाव, अरे अधिक भाव को बताओ क्या है, अधिक भाव ही है क्या उपाधि, अधिक भाव होते कितने, कौन कौन से अधिक भाव ही है, कौन कौन से अधिक भाव के, ये तो बता दे तुमने, असत्य वचन में पंडित जी ने क्या लिखा, जैसे वृत्ति संयम में अनुत्साहित हो जाए, असत्य वचन में लिखा है, कलह हो जाए, विसंवाद हो जाए, समय मिथ्या सिद्धांत दृढ़ हो जाए, अवक्ष वक्षण करने लगे, वृत्ति संयम में शिथिल हो जाए, लिखा है नहीं लिखा हो तो देखो आप, कहा तुम इनमें उलझे रहते हो, क्या कर रहे, कैसे बोल रहे, क्या कर रहे तुम, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली और दुर्लभ समय मिला और इतना तत्व मिला, अरे अपन को अपना कल्याण करना, कल्याण बातों से होता है क्या,
कल्याण बातों से होगा। 24 घंटे आत्मा का ध्यान में स्थिरता रहेगी तुम्हारी, तुम्हारे परिणाम गर्दर आदि से भी श्रेष्ठ है क्या? क्या कर्ता तो नहीं बनता, अकर्ता बनता और भोक्ता बनता है। और मर गए, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, मरे जा रहे, अब कोई नहीं है तो कर्ता नहीं होता, वो भोक्ता नहीं होता ना। और तू भोक्ता बन रहा है और कर्ता कहने के लिए, अपना दोष स्वीकार करने के लिए कर्ता बनता है। अरे न्यायालय में भी जो बहस होती है वो संविधान से होती है, है? तुम शास्त्र ज्ञान से शून्य चार जने इकट्ठे हो गए और अपनी बहस कर रहे, तर्क वितर्क कर रहे और बस अपने पोषण कर करा के बगल कर दिया। हमें इतना ज्ञान ही नहीं, कुछ और तो ज्ञान नहीं है। तो भैया ज्ञान अभ्यास करो ना, देह और आत्मा भिन्न है ऐसा जानकर क्या करना। देह के लक्ष्य से होने वाला जो मोह का परिणाम, उससे होने वाला दुख, उससे निवर्तन करना है। और देखो बोलो नहीं लिखा है तो देह और आत्मा भिन्न है, उसका फल कैसा हो गया, कितनी निष्फलता, कैसी वितरागता। छेदाए आवेदाए को ले जाए नष्ट बनो भले, ज्ञान को रित जाए पर परिग्रह न मेरा है। अरे आपको कहा था ना, जहाँ गुरुजनों का अनादर होता है, सज्जनों का लिखा है, सज्जनों का प्रमेय परमा ग्रंथ में सज्जन शब्द लिखा, गुरुजन में सज्जनों का अनादर होता है, गुरुजनों का आदर होता है, अथवा तो समानता भी होती है, सभी कई बार सभी से वहाँ प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, दैवीय प्रकोप होते हैं। क्या लिखा है, सरल पुरुषों की अवज्ञा। बोलो सबकाचार का वाक्य बोलो, सरल पुरुषों की अवज्ञा देव हु नहीं कर सके, विनयवान की अवज्ञा देव हु नहीं कर सके। तेरे जीवन में जो दुख होते हैं, तेरे जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं, वो किसका फल है ये तो बता, किसका फल है हमें समझाओ तो। बहुत लोग कहते कर्म कुछ नहीं होते, कर्म कुछ नहीं होते तो ये नाना प्रकार की जीवों जीवों में भिन्नता कैसी है। कर्म कुछ नहीं होते तो कर्म बिना का जीव तो मुक्त होता है, अमुक्त जीव होता है वो सुखी होता है, परम सुखी होता है, अशरीरी होता है। फिर ये शरीर कहां से आ गया, कर्म नहीं है तो। जब कर्म कुछ है ही नहीं तो शरीर का आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के स्वरूप में शरीर है क्या। ये रागद्वेष कहां से आ गए, रागद्वेष का आत्मा के स्वभाव में है। ये दुख कहां से आ गया, दुख आत्मा का स्वभाव है, क्या दूसरा कोई जबरन देता है, कुछ नहीं होती। और एक भाव कुछ नहीं होती, अपन तो पंचम भाव को देखोगा, देखो तो सही बात तो बन जाए। देखो तो सही, बिना कुपच छोड़े औषधि सेवन से रोग नहीं मिटता, बिना उत्कृष्ट श्रावक, वो साधक
साक्षात मोक्ष मार्गी मुनिराज सह आदे, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके इतनी बातें कर रही है। और सकल जग द्वंद निजातम भया, बताओ भाई मैं तन गई, यह अभिमान कहां से आ गया, तनाव कहां से आ गया जी बता। ये तनाव कहां से आ गया, और सकल जग द्वंद बंद निजातम भया, ये तनाव आत्मा से गया जी तो हमें बता दे भाई, आत्मा में तो तनाव नहीं है। मैंने वो लाइन पढ़ी और बस अपने को मान लिया कि हम ज्ञानी हो गए, हम धर्मात्मा हो गए, और भैया है तोड़ सकल देव तुम बन या तुम जाओ तोड़ सकल, ये कहां से आ गई, ये आ कहां से गया, ये संग रहने से कल्याण नहीं होता, संगति कल्याण का निमित्त बनती है। संगति का अर्थ आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए, क्या उसी प्रकार से विचारना सीखो, उसी प्रकार की अपनी श्रद्धा बनाओ, डेंजरस लिखा है, डेंजरस क्या बोलो, लिटिल नॉलेज अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अनेकांत आत्मक वस्तु को समझना चाहिए, अनेकांतमय धर्म को वस्तु माने द्रव्य गुण पर्याय सब अनेक ग्रंथ विचरता है, अपने मतलब के लिए हम अपना पोषण करने के लिए भिन्न कह दें और फिर अभिन्न माने, ये उपसर्ग सही धर ठहरता अब विचार तो करो भाई, ये और आत्मा एक नहीं होते, नहीं होते आप संबोधन करवागे द्रव्यानुसार चरणम वो आत्मा, तो जब एक होते ही नहीं तो एक मानता क्यों, दुखी क्यों होता, देखो देख देख करके दुखी क्यों करता, इसका फल मलिन देखो देख महामन मलिन भाव, देह आत्मा एक नहीं है इसलिए मलिन देह को देख करके मलिन भाव नहीं करे, मलिन भाव का मतलब मोह भाव द्वेष भाव राग भाव सारे भाव, पर द्रव्य परिणाम जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ते, स्वाध्याय चला दो चार दो परिणाम जबरन नहीं बिगाड़ते, बिगाड़ते का मतलब खाली द्वेष काम और क्रोध, अरे जबरन भी अपनापन नहीं कराता शरीर, जबरन राग नहीं कराता, हमें तुमको देख करके राग आ गया, बहुत सुंदर लगा है बहुत अच्छा लगा, परिणाम बिगड़ गए ये समझ लो, ये उनका बिगड़ राग होने को परिणाम बिगड़ना मानते ही नहीं है, खाली गुस्से में आ गई परिणाम का आगे बिगाड़ता, बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर लगा बहुत बढ़िया सेवा भाग विनय भाग बहुत बढ़िया, परिणाम नहीं बिगड़े तुम्हारे कि जैसे वो तैसा कह रहे, अरे कह रहे हो कि मान रहे भीतर में सो भी स्वार्थवश मान रहे हो कि आगम से मान रहे हो, बहुत अच्छा है, अच्छा है किस आधार से कह रहे हो, किस आधार से कह रहे हो, बहुत अच्छा तुम्हारी हम यहां कर देता है तो बहुत अच्छा,
कि तुम्हारा दोस्त बता दी वैसे अच्छा है, बोलो बहुत अच्छा, हमें यहां कर दे अच्छा बहुत अच्छा, और दोस्त बताया था ऐसे छुपाएंगे और पता नहीं पड़ जा, उससे तो दूर रहना है, और दोस्त का पोषण करे तो अपने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भोगियों को भीड़ अच्छी लगती है, योगियों को एकांत अच्छा लगता है, क्यों लगता बता। भीड़ क्यों अच्छी लगती है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बढ़िया भैया जी, तो बता। अच्छा तो वैराग्य होता है, अच्छा तो आत्मा होता है, अच्छा तो मोक्ष होता है, अच्छा तो संयम होता है, अच्छा तो सम्यक होता है। कहा अच्छे तुम कह रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देह और आत्मा को भिन्न जानने का फल क्या है बोलो? देह और आत्मा को भिन्न जानने का फल देह के प्रति ममता टूटना है, और देह के प्रति ममत्व को नहीं तोड़े तो फिर क्या मतलब? अपन कई बार चर्चा कर दी, आत्मा शुद्ध वो चैतन्य स्वरूप है, तो अनुभव करो भाई, निर्णय करो, विचार करो भाई, ऐसे विचार कर से विपरीत जो विचार होते हैं उन विपरीत विचारों का परिहार, विपरीत विचारों का परिहार। सार शब्द क्यों लगा नियम सार में? टीका बोलो, विपरीतता के परिहार के लिए। विपरीतता के परिहार के लिए सार शब्द लेगा, जीव अजीव को भिन्न जानने का फल। टोटल मल जी ने क्या लिखा? चौथा लिखा बोलो, देहादिक में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि छोड़ने, हमारे योगियों ने ज्ञानियों ने भजन भी लिखे तो कैसे लिखे? सम्यक दृष्टि, सुख में न जीनर हर्ष करें, दुख में न विषाद करें मन में। आप तो ये कहोगे अरे ये तो मुनराज होते हैं, ऐसे तो मुनराज होते हैं, ये बात उत्कृष्टता की अपेक्षा सच्ची है, परंतु श्रावक भी एक है। या महाभाग्य से देव सास गुरु मिले हैं, महाभाग्य से मिले, अनंत काल में दुर्लभ हो जाएंगे। अनंत काल में देव सास गुरु का मिलना दुर्लभ हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से बाहर पांव रखेगा, इसका अर्थ क्या किया था? भगवान की आज्ञा के से बाहर विपरीत विचार करेगा, डूब जाएगा संसार। अरे बात तो विचारों की मूल में है, विचार नहीं करेगा तो फिर वचन और काया की तो अपने आप ही बात बन जाएगी। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त हो कीजिए, इससे विपरीत विचार कभी मत कीजिए।
आत्मा भिन्न भिन्न है, न मानो तो भी है। लेकिन भिन्न भिन्न होते हुए भी, भिन्न भिन्न होते हुए भी ये मत समझ लेना उनका में परस्पर निमित्त निमित्त संबंध नहीं है। परिणाम बिगड़ेंगे तो देह बिगड़ेगी, टेंशन से हाई ब्लड प्रेशर होते हैं कि नहीं, ऐसी भारा रोपण से तुम्हारे शरीर में बोलो रोग होते हैं कि नहीं, सुख से शरीर कमजोर होता है कि नहीं, चिंता से होता है कि नहीं, क्रोध से एसिडिटी बनती है कि नहीं, भाई से अटैक होते हैं कि नहीं। परिणाम बिगड़ेंगे तो शरीर भी बिगड़ेगा, और शरीर का लक्ष्य करेगा तो परिणाम भी फिर बिगड़ेंगे। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, और नो कर्म के लक्ष्य से फिर भाव कर्म, फिर भाव कर्म से नो कर्म, लक्ष्य सब देह और बना लेना। अगर उस देह का लक्ष्य नहीं करेगा फिर कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत। ये लौकिक में लोग कहते हैं ना, देखो हम आपत्तियों को बुलाने जाते नहीं है, और आ जाए तो फिर घबराते हैं। कहां से सीखा है हमारे मुंडारियों से, हमारे मुनिराजों से ये बात सीखी है। देखो समय करने के स्थान भी लिखे साहब का चाह, कैसे स्थान पर समय करे, या कोलाहल नहीं हो, सो भीड़ भाड़ नहीं हो, स्त्री नपुंसकों का स्थान नहीं हो, आवागमन नहीं होता हो, और डांस मच्छर बहुत नहीं हो, क्यों खाए इनसे क्या संबंध, हमारे करना मन चाहे यहाँ करो चाहे जैसे करो। अरे करो मन नहीं करे, लेकिन तुम्हारे परिणाम नहीं रुक पाएंगे वहां। लेकिन फिर भी कोई कभी कभी कोई ऐसा स्थान न मिल पाए और ऐसे स्थान पर बैठ करके करना पड़े तो करो, परिणाम मत मिला। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे परिणामों में चलाओ, शरीर में और संयोगों में मत पुरुषार्थ चलाओ। परिणामों को तुम उदय के भरोसे, उदय भाव कह करके चलते हो, भक्तव्य के भरोसे छोड़ते हो, और अपना पुरुषार्थ बाहर में चलाते हो। अब क्या करें, वहां तो घर तो दिक्कत सुझाना ही है, मजबूरी है, काय की मजबूरी है। आपको कितनी बार ये बात कही है, अगर कमाना मजबूरी है तो दान देना भी जरूरी है। मजबूरी के साथ जरूरी भी कुछ लगाओगे कि नहीं लगाओगे। अब दे है वो तो साहब मजबूरी है, तो वेद ज्ञान करना भी जरूरी है। वेद ज्ञान का उत्कृष्ट फल नियम सार जी कलश है, इस वेद ज्ञान रूपी सत वृक्ष का सत फल सदा वंदनीय है। तो कौन सा वो फल वंदनीय है, सम्यक दर्शन की श्रद्धा का मतलब क्या है, भोग दुख के निमित्त है, दुख रूप है, ये श्रद्धा भी चर्चा ही नहीं करना चाहते, चिंतन ही नहीं करना चाहते, हम परेशान यहाँ है उसको उड़ाना और चाहते। परद्रव्य है हम इसके पीछे का हमारे भाई, हमें कहा लेने देने, पर को पर जाने तो हमें कहा लेने देने, अकर्ता अपन सब तो अपन का चिंता में घुले, इनका क्या होगा, अरे होएगा सो होएगा, हम क्या करेंगे। ऐसा जानकर
अपन अपने विषयों में मगन है, बाल बच्चन को जो हो वो सो जाओ, हमको करता है तो विषयों में सुख कहां से आएगा। ऐसा जानकर तू दीक्षा लेता हो मेरा तोता होगा हो या हम अनुमोदन कर दें। अनुमोदन करेंगे लोक है, ध्यान रखना अनुमोदन लायक केवल ज्ञान वैराग्य, दूसरा कोई अनुमोदन करने लायक, पाप की अनुमोदना भी पाप है, मिथ्यास की अनुमोदना भी मिथ्यास है। अनुमोदन नहीं तो विरोध करें, अरे विरोध की बात नहीं, माध्यस्थ भाव तो रख, छुपाई जाए या इसमें क्या हो गया ये तो मत कहो कम से कम, न क्यों भाई आया। कहा इनमें चक्कर में पड़ी तो कम से कम ऐसे तो मत बोलो। लेकिन वो इंग्लैंड पंडिताई का लगता है तो इनमें क्या हो गया, इनमें क्या रहा, इनमें का इनसे का संबंध, वो चुप रहने नहीं देता। मौन का वितरकता का संबंध है, राग टूटे तो मौन हो गए, राग नहीं टूटे तो मौन कहां से हो गए। बोलने में जितना पुरुषार्थ है, मौन रहने में अनंत गुना पुरुषार्थ है। कोई एक कहे तुम दस सुनाओ, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, और दस कहे और एक भी जवाब नहीं दे गए, कोई बिरला होगा बिरला। गाली को जवाब गोली से दही बारे बहुत है, उनका दुनिया संसार इसी का नाम है, लेकिन गोली के बदले में गाली भी नहीं दे गए, ये है पुरुषार्थ, ये है धर्मात्मा का रक्षण। मन में खेद भी ना आवे, क्यों भेद वर्तता है वहां खेद नहीं होता, यहां भेद वर्तता है, भेद दिखता है, भेद भासता है, वहां फिर खेद नहीं होता। बहुत सरस चर्चा है, सरस चर्चा, देव और आत्मा भिन्न है। अमृतचंद स्वामी ने तो निर्देश दिया है, कुछ देव और आत्मा की भिन्नता कह करके बोलो, कोई निर्देश दिया है। हे भव्य वो आत्मन तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, कहता लेकिन मत जैसे फूल मत जाए मन, सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, नंबर दूसरा सावधान हो और अपने को आप रूप अनुभव कर, क्यों देव और आत्मा अभी भी एक नहीं हो गए। एक थैला में दो तीन सामान थे, शक्कर थी, दाल थी, चावल थी, मान लो कल्पना करो तीन थैली थी और थैला हाथ से छूट गया, हाथ से छूट गया तो एकदम देखो अरे फैल तो नहीं हो, मिल तो नहीं हो, नहीं मिल गया, खुशी हो गए, उठा लिया। और मिल गया हो तो फिर पीनेंगे धोएंगे, लेकिन ओ गे हो देखो मिल तो नहीं हो, फैल तो नहीं, नहीं फैला नहीं, मिला नहीं, धक्के खोदी हो गए। ऐसे तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर, ये तीन बातें क्यों नहीं आती नहीं है बस। ऐसा सुनकर के कौन जीव ऐसा होगा जो प्रसन्न नहीं हो जाएगा, जिसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो जाएगा। अमृतचंद स्वामी ने तो ये लिखा है, इति परिचित तत्व रात्म का एकताया नए विभजन युक्त्यात्यंत समूल उखाड़ फेंका, मैंने दिखा दिया। इसे सुनकर कौन ऐसा होगा जिसका ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित न हो जाए, अज्ञान का नाश न हो जाए। अभी हम अपने को देव मानते रहेंगे, किनात रहे हैं, अपने मन में याद रहे हैं, दूसरों की ओर देखते रहेंगे, उस देह के लिए
गड़गड़ काले खोट, गड़गड़ काले खोट, खोटन को ऐसे काल हो गए निकालो बस छिपाओ मती। चोरी करना अपराध है और चोर को अपने घर में छिपाना। बोलो बोलो, चोरी करना पाप है और चोर को अपने घर में छिपाना। यही तो पाप है। एक कुपुत्र होता है तो उसे कह देते हैं, अखबार में निकाल देते हैं, हमारा ऐसे कोई संबंध नहीं, लेन देन करेगा तो वो जिम्मेदार होगा अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ऐसे ही अपने ज्ञान वगैरह की सुरक्षा के लिए, ये हमारी संपत्ति है। जो देव और आत्मा को एक मानते हैं, भोगों में सुख मानते हैं, परिग्रह से शोभा मानते हैं, अरे रे भाव का हिंसा आदि का भय नहीं है, हमारा कोई संबंध। क्या लेना लेना है वो बुढ़िया माता है, अस्पताल में पहुंच गई और उसका लड़का छोटी का तो संस्कारी था छोटीपन का, लेकिन मजूरी में आकर के रिश्वतखोरी करने लगा। सुनाई थी क्या हुआ? वो लड़का पढ़ करके तैयार हुआ, सोचने लगा अब नौकरी लग जाएगी, लेकिन नौकरी में तमाम लेबो जाएगी, लाख दो लाख की बात मैं समझ गई, लाख दो लाख रुपया देने, अब कहां से आज पिताजी छोड़ के चले गए थी, माँ बाप माता ने ऐसे तैसे मजूरी करके पढ़ा लो। उसका दोस्त था, उसके पिताजी बोले बेटा हम देने, चिंता मत करो धीरे धीरे जाएगी, पैसा उन्हें दे रहे, नौकरी लग गई, अब पैसा कैसे चुके, तनख्वाह तो थोड़ी है साहब, बेहू मिल गए बैठ गई, नहीं ऐसा करो तुम, ऐसा करो तुम, समझते नहीं तो मैं अभी नए आदमी हो, ऐसी नहीं चलती है, ईमानदारी से बैठे रहो। तो उसने मन में समझौता किया, भाई हमें जो पैसे चुकाने हैं जब तक नहीं चुके रहो तब तक हम लें एडजस्ट कर, जब तक पैसा चुका तब तक मजबूरी में, और फिर आदत पड़ गई। अब ये अब ठीक है, एक फ्लैट वाले ने आज की भाषा बोल दी, एक मकान और बनवा लें भैया बनो, एक जेवर कर लें, एक और कर लें, अब तनख्वाह का होता के लिए माता के लिए पैसा भेज देगा, थोड़ा बहुत खर्च पानी माता लेती है, उसको पता पड़ा तुम्हारा लड़का है सुकर, आज हमें नहीं कहेंगे, हमें नहीं कहेंगे, हमारे पास मत भेजो। अब बेचारा रोए और सोचे क्या करे, लेकिन वो आदत पड़ गई, सुबह मुश्किल से छूट गई, घर आना बंद, पैसा भेजना बंद। एक दिन फोन मिला, माँ सख्त बीमार, अड़ोस पड़ोस के लोग हॉस्पिटल ले गए, मन नहीं माना दौड़ करके पहुंचा हुआ, डॉक्टर बोले खून की जरूरत है, बोले सर हम माँ ने देखा है भ्रष्ट अधिकारी का खून नहीं चाहिए, मर जान दिया, और मरने की क्या जरूरत है हमको, ले चलो हमको यहाँ से, हम तो समाधि करेंगे, को मरण को क्यों मरे, हमारे आचार्यों ने मरने की कला बताई है, हम जिनवाणी के स्वाध्याय को सार्थक करेंगे, ले चलो हमको यहाँ। अरे आयु बिना का मर रहा है, बिना खून के और बिना वाह के दवाइन के, ये तो मोह और भय है। आए और वहां जाकर के अपनी सर देखना अंगीकार कर, लड़के की भी आंसू टपक रहे, हाय हाय क्या हो गया, मुझे प्रतिज्ञा करी मां तेरे चरणों में प्रतिज्ञा करता हूं, आज की बात से ये काम नहीं करूंगा, इस बार नहीं लूंगा। नहीं चाहिए हमको ऐसी महान प्रतिष्ठा, नहीं चाहिए हमको ऐसे भोग संयोग, नहीं चाहिए, हम अपने जीवन को सादगी और संतोष का क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि नदियां भी स्वच्छ जल से नहीं भरती,
अपने जीवन को विलासी और महंगा मत बनाओ जी, बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी ललचाओ मती त्यागी का जीवन। अरे रे प्रभु, बहुत सादगी और संतुष्ट है, हमें नहीं चाहिए। हमने ये तो धर्मशास्त्र की गद्दी पर बैठे हैं, घर में महिलाओं को कहते सुना है, देखो हम मंजूरी कर लेंगे, हम एक मोटी धोती पहन लेंगे, हम चाय कट कर लेंगे, ऐसे धंधे हमें पसंद नहीं, तुम ये काम मत करो। कानों से सुनिए ये बातें, किताबन में तो पढ़ी है, शास्त्र में तो पढ़ी है, वो तो ठीक है, लेकिन कानन सुनिए ये बातें, हमें नहीं चाहिए। तुम्हें छोड़ना है छोड़ दो, निपटती लेना और निपटती ले लो, हम अपने गुजर कर लेंगे, जैसे होगी तैसे करो अपने कल्याण करो। सम्यक तो किसको कहते हैं समझना होगा भाई, समझना होगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के, या वाणी के जानते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा जी संभो।